अस्सलाम वालेकुम सामीन, 29 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, 7 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है, हरियाणा में भी लखीमपुर जैसा हादसा। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट के काफ़िले की गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी, ज़ख्मी किसान अस्पताल में दाखिल। किसानों का इल्ज़ाम ये है कि कत्ल के इरादे से ये टक्कर मारी गई है। खबर थोड़ी तफसील से सुन लें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसानों के ख़िलाफ़ किसानों का बवाल जारी है। इस बीच हरियाणा के ज़िला अम्बाला के नारायणगढ़ इलाके में भी ऐसा ही हादसा सामने आया है। बता दें, कुरुक्षेत्र के बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काला झंडा दिखा रहे एक किसान भानव प्रीत को टक्कर मार दी है और वो अस्पताल में दाखिल हैं। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में हिफाजती नुक्ताए नज़र से इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसानों का इल्ज़ाम है कि भवनू प्रीत की के कत्ल के इरादे से ये टक्कर मारी गई है। बता दें कि जो गाड़ी है जिससे टक्कर लगी है ये एमपी के नाम पर रजिस्टर्ड है। नारायणगढ़ में हुए इस मामले में शामिल होने के लिए मेंबर पार्लियामेंट नायब सैनी पहुंचे थे। यहाँ एक प्रोग्राम था, वहाँ मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे थे। उनके आने की इत्तला मिलने पर किसान मुखालफत करने के लिए पहुंच गए। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम के बाद सैनी अपने काफिले के साथ निकले तो भवनू प्रीत अचानक सड़क पर आ गए, तभी मेंबर पार्लियामेंट के काफिले की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। किसान लीडरों का दावा है कि जिस इनोवा गाड़ी HR04F0976 ने भानो प्रीत को टक्कर मारी है वो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। किसानों ने एमपी और ड्राइवर के खिलाफ दी शिकायत। हादसे के बाद किसानों ने नारायणगढ़ थाने में मेंबर पार्लियामेंट और उनके ड्राइवर राजू के खिलाफ शिकायत दी है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी गुट ने शिकायत में बताया कि किसान ज़रिए कानून की मुखालफत में मुजाहरा कर रहे थे। इसी दौरान सांसद के ड्राइवर राजू ने इनोवा गाड़ी HR04F0976 तेज़ रफ्तार से किसानों की तरफ दौड़ा दी। किसानों का कहना है कि ये गाड़ी मेंबर पार्लियामेंट का नाम रजिस्ट्रेशन है। किसानों ने पुलिस को वार्निंग दी है कि 10 अक्टूबर तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किसान एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर ज़ख्मी किसान भानु प्रीत ने भी कहा है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई है और वो मुखालफत कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, उनके हाथ में काला झंडा था, तभी मेंबर पार्लियामेंट की गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। किसान ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी लीडर यूपी वाला हादसा हरियाणा में भी दोहराना चाहते हैं।